गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। भुंतर में अब ऐसे बनेगी कुकिंग गैस और खाद, कीमत भी बेहद कम। नागपंचमी पर साक्षात नागराज ने दिए दर्शन, अलौकिक दृश्य को देख रोमांचित हुए भक्त। जल शक्ति विभाग का कार्यालय भुंतर से लार्जी शिफ्ट, किया तो आंदोलन, कांग्रेस ने दी चेतावनी। बिलासपुर जिला के प्रत्येक बूथ पर बनाए जाएंगे 3 स्वयं सेवक। और अब समाचार विस्तार से। जिला कुल्लू की सबसे बड़ी भुंतर सब्जी मंडी में फल सब्जियों के वेस्ट से कुकिंग गैस व खाद बनेगी। एपीएमसी कुल्लू ने सब्जी मंडी भुंतर में फलों व सब्जियों के कचरे की प्रोसेसिंग के लिए एक जैविक कचरा प्रोसेसिंग बायो मैकेनिकल प्लांट स्थापित किया है। मशीन की क्षमता प्रतिदिन 1 टन ऑर्गेनिक कचरे से गैस व खाद बनाने की है। यहां पैदा होने वाले कुकिंग गैस सब्जी मंडी के करीब 1 दर्जन ढाबा संचालकों को सस्ते दामों पर दी जाएगी। एजेंसी जल्द ही इसके लिए पाइपलाइन बिछा देगी। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस एंड टू गेट यूजीसी अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 years ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड: बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मेसी, बी टेक, डिप्लोमा फार्मेसी इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बीएससी एमएलटी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएएमएस, बीपीटी, एमएससी इन एग्रीकल्चर एंड जूलॉजी, एमए इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, एमटेक, एम फार्मेसी, पीएचडी। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स। नाग पंचमी के दिन गुरुवार सुबह देहरा के करियाड़ा स्थित प्राचीन ऐतिहासिक नाग मंदिर में नागपिंडी के साथ साक्षात नागराज ने दर्शन दिए। इस दौरान मंदिर परिसर नागराज के जयकारों से गूंज उठा। जैसे ही नागराज के प्रकट होने की सूचना जनता में फैली, मंदिर परिसर में भीड़ उमड़ आई और इस अलौकिक दृश्य को देखकर लोग रोमांचित हो उठे। ऐसा है, नाग पंचमी वो निकलते हैं कि तो नागपंचमी चल रही है, आज और कल है, तो इसलिए मैंने सुबह 4 बजे दर्शन दिए उन्होंने आकर, और यहाँ भक्तों ने भी दर्शन कर लिए हैं। अभी भी ये खड़े के ऊपर ही हैं और बैठे हैं, कहीं कभी निकल गए हैं, कभी दर्शन दे रहे हैं। तो सब जो भक्त दर्शन कर रहे हैं, और नागपंचमी में दर्शन तो है और मंदिर में आना है, बहुत पुण्यकार होता है, इसमें सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। तो सभी जो दर्शन करके कर रहे हैं, तो उनके लिए भगवान जो अगला साल बहुत बढ़िया और सुख शांति से दे। धन्यवाद। भुंतर से जल शक्ति विभाग का कार्यालय लार्जी शिफ्ट करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार व प्रशासन को घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के पूर्व मुख्य संगठक बलदेव सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर सरकार व प्रशासन ने भुंतर से जल शक्ति विभाग के कार्यालय को लार्जी शिफ्ट किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा है कि उक्त कार्यालय को भुंतर में ही रखा जाए ताकि आसपास के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। बिलासपुर में स्थित भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रशिक्षण वर्ग में जिला के 4 कार्यकर्ता और 5 मंडलों के 4 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला संयोजक आशीष ढिल्लो ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना की संभावित 3री लहर के बारे में बताया गया। यह सभी स्वास्थ्य स्वयं सेवक प्रशिक्षित होने के बाद अपने अपने बूथ, गांव व पंचायतों में लोगों को कोरोना के बचाव के बारे में बताएंगे। जिला के प्रत्येक बूथ पर 3 स्वयं सेवक बनाए जाएंगे, जिसमें 1 महिला, 1 युवक व 1 स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। जिला से 4 लोग हैं और प्रत्येक मंडल से 4-4 लोग शामिल हुए हैं। उन्हें आज यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। पहले जो जिला के 4 लोग थे, उनका शिमला में 7 तारीख को प्रशिक्षण वर्ग हुआ था, उसी प्रशिक्षण वर्ग को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर प्रत्येक मंडलों से 4-4 जो लोग आए थे, उनका प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। अब ये लोग अपने मंडलों में जाकर अपने बूथों पर 3-3 लोग प्रत्येक बूथ से अपने मंडल में
तय करेंगे, जिसमें एक महिला, एक आईटी का लड़का और एक हमारा कोई जो पूर्व कार्यकर्ता जो हेल्थ से रिलेटेड होगा। ये तीन टोली हर बूथ पे प्रत्येक मंडल में बनेगी और वो कोरोना की इस महामारी में जो तीसरी लहर हमारे यहाँ अभी जो संभावना है कि शुरू होनी है, उस कड़ी में ये जो हमारे जो स्वास्थ्य स्वयं सेवक है ये अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में, बूथों पर लोगों को अवेयर करेंगे और कोरोना जैसी महामारी के प्रति लोगों को उनसे बचाव का आह्वान भी करेंगे और उनको जो स्वास्थ्य सुविधा जो उपलब्ध करवानी होगी उनमें भी लोगों की सहायता करेंगे।